बदायूं में सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पटियाली सराय में सोमवार रात चोरों ने बंद पड़े मकान को अपना निशाना बनाया, जहां से चोर 4,500 रुपए और चांदी के आभूषण समेत 1,00,000 की चोरी करके फरार हो गए। साथ ही जाते जाते मकान के दरवाजे पर अपना ताला लगा गए। वहीं चोरी की ये घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी संजीव सक्सेना कोर्ट में तैनात है, जिनका पटियाली सराय वाला मकान बंद रहता है। वह अपने परिवार के साथ मोहल्ला कूचा पांडा में रहते हैं। वहीं सोमवार रात पटियाली सराय वाले मकान में दो चोर छत से घर में घुसे और सभी कमरों को खंगाल डाला, जहां से चोरों ने एक सोने की चेन, चांदी का सामान और नकदी चोरी कर ली, जिसके बाद चोर मकान में बाहर से अपना ताला लगाकर फरार हो गए। मंगलवार सुबह लगभग 9 बजे संजीव सक्सेना के बेटे मयंक मकान पर पहुंचे, जहां मकान पर दूसरा ताला लगा देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद ताला तोड़कर घर में जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। साथ ही चोरी की घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है।